जिनको आपने भारी मतों से चौथी बार विधायक बनाया है, वो आपके बीच आएंगी, आपका सम्मान करेंगी, इस आयोजन के बारे में बताएंगी। बहन गीता पुकल जी, विधायक हल्का झज्जर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमारे बीच में उपस्थित बहुत ही संघर्षशील, लगनशील, बहुत ही मेहनती और आप सबके बहुत ही लाडले और प्यारे CWC के मेंबर, पूर्व सांसद हमारे भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, जोरदार तालियों के साथ आज इस धन्यवाद कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचने पर उनका हम बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। ACP राजवीर जाखड़ जी, चौधरी राज सिंह जाखड़ जी, हमारे नाहर सिंह जी पार्षद, टेकचंद जी, सुनील जाखड़ जी, प्रदीप जी, सुरेंद्र जी, सुभाष गुजर जी, टोमा जी, दयानंद जी प्रधान, देवेंद्र जी, वो एडवोकेट उदयभान जी, एडवोकेट विकास जी, बहन माया नेहरा जी, हमारे राजपाल सुहाग जी, सज्जन जी सरपंच, वेद प्रकाश जी, हमारे मंच पर विराजमान सूरजभान जाखड़ जी, सुभाष गुजर जी, सुभाष दीवान जी, बलराज जी, हमारे भाई राम गोपाल जी, ACP राजवीर जाखड़ और जितने भी हमारे यहाँ पर मंच पर और सबसे ज़्यादा जो मंच के सामने हमारे साथी बैठे हैं और मीडिया के बंधुओं, सबसे पहले आप सबका यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आज आप सबका धन्यवाद करने के लिए, आप सबका स्वागत करने के लिए, आप सबका अभिनंदन करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। विधानसभा के चुनाव हुए, आप सबने पूरी ताकत लगाई, पूरी ताकत के साथ आपने जो मेहनत की और आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का और भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का जो मान सम्मान रखा, उसके लिए दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ और तालियों के साथ और हाथ जोड़कर आपका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपनी इस बहन को एक मौका दिया। आपने भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ जो एक राजनीतिक साजिश हुई, जिस तरह से एक घेराबंदी हुई, उसका बदला विधानसभा में लेने का काम किया। झज्जर जिले की चारों सीटें जिताकर आपने आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और भाई दीपेंद्र हुड्डा जी की झोली में डालने का काम किया है। हमने एक ऐसी ताकतों से लड़ाई लड़ी जिन्होंने केवल एक कहा, 75 पार, 75 पार, 75 पार, बहकाने का काम किया। आज हमें सोचना होगा कि क्या कारण थे। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कांग्रेस के राज में बहुत से काम करवाए, बहुत 36 बिरादरी का भला किया और उन्होंने इतिहास रचने का काम किया। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को अगर मैं मॉडर्न हरियाणा का निर्माता कहूं तो कोई बहुत ज्यादा अतिशोक्ति नहीं होगी। उन्होंने एक ऐसा इतिहास रखा हरियाणा में। आज हालत देख लो, उस समय हमारे किसानों का मान सम्मान था, गरीबों का मान सम्मान था, दलितों का मान सम्मान था, महिलाओं का मान सम्मान था, व्यापारियों का मान सम्मान था, कर्मचारियों का मान सम्मान था, हमारी बहन बेटियों की इज्जत थी, युवा बेरोजगार साथियों का मान सम्मान था। और एक ऐसी निकम्मी सरकार जिससे आप सबने टक्कर लेने का काम किया, जिन्होंने पूरी तरह से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का काम किया, लेकिन हमारे आज यहाँ पर आए हुए सभी हमारे जितने भी सम्मानित मेरे साथी हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारी माताएं बहनें हैं और वो हमारे मजबूत सिपाही जिन्होंने बूथ लेवल पर हमारे चुनावों को संभालने का काम किया, आज मैं उन सबका बहुत बहुत यहाँ पर स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं उनका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अपनी पूरी जिम्मेवारी को समझा, उन्होंने अपनी जिम्मेवारी को समझकर क्या पन्ना प्रमुख थे, केवल और केवल ये पन्ना प्रमुख पैसा बांटने की एजेंसी बीजेपी ने बिठा रखे थे, लेकिन हमारे जो कार्यकर्ता था, एक कांग्रेस का मजबूत साथी, एक कांग्रेस का मजबूत सिपाही जिसने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के मान सम्मान की लड़ाई को लड़ने का काम किया, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करते हैं। हमारे बहुत से साथी यहाँ पर हैं, हमारे बहुत से सरपंच यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे बहुत से
पार्षद साथी यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे भाई बिजू जी मंच का संचालन कर रहे हैं, सभी साथी, कुछों का नाम लिया गया लेकिन उसके अलावा जो सब बैठे हैं उन्होंने इस बात का, चाहे रोहतक की बात थी, चाहे सोनीपत की बात थी और चाहे झज्जर की बात थी, उन्होंने आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का और भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के मान सम्मान की लड़ाई लड़ते हुए पूरे रोहतक लोकसभा सोनीपत में सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस को जो दी हैं, इसका मतलब यह है कि लोगों के मन में कांग्रेस पार्टी थी, लोगों के मन में आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना वो चाहते थे। वो चाहते थे कि भला हो, वो चाहते थे जो किसान हमारा अनाज मंडी में अपनी फसल लिए हुए खड़ा है, जो आज जिसको फसलों के दाम नहीं मिल रहे, जिसको अपमान किया, अपमानित किया जा रहा है, उनका मन था। लेकिन हमारे बहुत से साथी जिन्होंने, जिसमें हमारे मीडिया के साथी भी, सोशल मीडिया भी, सभी ने एक ऐसा प्रचार करने का काम किया कि अब की बार 75 पार, किस चीज का 75 पार, जहां जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए उसी सीट पर बीजेपी के कैंडिडेट सबके सब हारे और जमानत जब्त हुई। जनता के दिलों में कांग्रेस थी, जनता के दिलों में सोनिया गांधी जी थी, जनता के दिलों में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भाई दीपेंद्र हुड्डा थे और उन्होंने भारी मतों से ये सीटें जिताकर प्रमाणित कर दिया और एक ऐसी सरकार बनी जो नारे केवल दे रही थी। उनसे पूछे, हमारे यहाँ पर जब प्रदेश के मुख्यमंत्री मुखिया जब यहाँ पर आए थे, हमने उनसे, हमारे लोगों ने ये पूछा, आप किस बात की वोट मांग रहे हैं, आपने हमारे क्षेत्र के साथ किया क्या है, एक सड़क बनाई हो, एक गली बनाई हो, एक यूनिवर्सिटी बनाई हो, एक कॉलेज बनाया हो, एक आईटीआई बनाई हो, कोई स्कूल बनाया हो, कोई स्कूल का कमरा बनाया हो, कोई पार्क बनवाया हो, कोई पीने के पानी की व्यवस्था कराऊ, गिनाने के लिए एक भी काम उनके पास नहीं था। और उसी बात का बदला विधानसभा के चुनाव में हमारे इन बहादुर साथियों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराकर, अच्छे से कांग्रेस पार्टी को जिताकर अपनी इस बहन को, इस बेटी को यहां से विधायक बनाने का काम किया है। आपने इतिहास रचने का काम किया। झज्जर विधानसभा क्षेत्र की जनता ने पहले हरियाणा में ये कहते थे कि कोई भी व्यक्ति लगातार यहां से जो भी शिक्षा मंत्री रहा है वो चुनाव नहीं जीता। इस इतिहास को रचने का और रिकॉर्ड कायम करने का काम हमारी झज्जर विधानसभा क्षेत्र की जनता ने किया और भारी मतों से जिताया। और एक और मिथ था झज्जर को लेकर कि लगातार कोई भी व्यक्ति एक पार्टी से दूसरी बार नहीं बनाते, लेकिन आपने, मैं आपका हाथ जोड़कर धन्यवाद करती हूँ, हाथ जोड़कर आपका अभिनंदन करती हूँ, आपने अपनी इस बेटी को हैट्रिक लगाकर तीसरी बार झज्जर से जिताने का काम किया। और आपके आशीर्वाद से, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के सहयोग से, इनके आशीर्वाद से, इनकी सहयोग से और भाई दीपेंद्र हुड्डा जी की मजबूत टीम की वजह से मुझे चौथी बार हरियाणा की विधानसभा में लगातार जाने का मौका मिला। मैं आपको एक आश्वासन देती हूँ, आपकी बहन हूँ, आपकी बेटी हूँ, आपकी चुनी हुई विधायक हूँ, आपको कभी ये महसूस नहीं होने देंगे कि हम लोग विपक्ष में बैठे हैं। विपक्ष में आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं, उनको अपनी जिम्मेवारी अच्छे से निभानी आती है। जब वो पिछली बार भी लीडर ऑफ अपोजिशन बने थे, अगली बार ही मुख्यमंत्री बन गए, तो ये बैसाखियों के सहारे बनी हुई सरकार ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। जो लोग कहते थे भारतीय जनता पार्टी लोकदल को गाली देती थी, जजपा को गाली देते थे, जजपा के सुप्रीमो कहते थे कि मेरे चाचा तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, आप उनसे पूछो वो भारतीय जनता पार्टी की ए टीम क्यों बन गए, जाकर जनता ने उनको बीजेपी के खिलाफ वोट देने का काम किया था। कोई बात नहीं, बन गए तो अब सरकार चलाएं, हम उनका स्वागत करेंगे अगर वो सरकार अच्छे से चलाएंगे। उन्होंने वायदा किया था 5100 रुपए बुढ़ापा पेंशन देंगे, डेढ़ महीना सवा महीना हो गया, कोई चर्चा नहीं है।
कब भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार आपको 5100 रुपए बुढ़ापा पेंशन देगी, हम उसका इंतजार कर रहे हैं। कब 75% नौकरियां हरियाणा के बच्चों को देगी, हम उसका इंतजार कर रहे हैं। कब हमारा बेरोजगार युवा जो धक्के खा रहा है अपनी मांगों के लिए गया तो उन पर लाठी और डंडे बरसाने का काम किया, हम देखेंगे कि कब इनका बेरोजगारी भत्ता इनको देने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री जी कह रहे थे किसानों की फसल का एक एक दाना खरीदेंगे, हमारे किसान बाजरा और धान मंडियों में लेकर खड़े रहे, जिसका थोड़ा बहुत खरीदा, किसान यूनियन के भी हमारे साथी यहाँ पर मौजूद है, एक एक दाना खरीदना छोड़ो, ढेर लगे रहे, खरीदने की कोई व्यवस्था नहीं हुई और जिसके खरीदे उनकी पेमेंट आज तक नहीं हुई। सब्जी मंडी में गए थे, वहां पर दिक्कतें हैं, केवल और केवल झूठ का पुलिंदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक ऐसी सरकार जो बहन बेटियों की इज्जत नहीं कर सकती, एक ऐसी सरकार जिनसे वाकई में ही अपनी बेटियों को बचाना पड़ रहा है। मैं कड़े शब्दों में ऐसी निकम्मी और घटिया और गंदी सरकार की निंदा करती हूँ जिसमें बहन बेटियां हमारी सुरक्षित नहीं हैं। कैसे पढ़ाएंगे बेटियों को, कैसे भेजेंगे बेटियों को, कैसे माँ बहनें हमारी घर से बाहर निकलेंगी। आज हम उनकी इस मंच के माध्यम से भी बहुत कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। डॉक्टर प्रियंका रेड्डी एक ऐसी पढ़ी लिखी डॉक्टर जिसके साथ में क्या घटना दुर्घटना हुई, सरकार ने क्या किया, दिखावा कर रहे हैं कि मुठभेड़ की है। जब देश में कानून है, जब देश में कानून व्यवस्था है, जब देश में संविधान है, तो हम संविधान की रक्षा क्यों नहीं कर सकते। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे देश के मुख्यमंत्री हो, कोई भी व्यक्ति देश के संविधान और कानून से ऊपर नहीं है। जिस समय निर्भया कांड हुआ था उसी समय जस्टिस वर्मा कमेटी बनी थी, उनकी रिपोर्ट आई थी और ये कहा था इस तरह का घिनौना हरकत करने वालों को फांसी की सजा देने का प्रावधान है। पता नहीं किस किस चीज का प्रावधान है, लेकिन इस सरकार को तो केवल और केवल जोड़ तोड़ करने के अलावा कुछ नहीं पता, केवल जोड़ तोड़ करते हैं। महाराष्ट्र में लोकतंत्र की जीत हुई, हम उसके लिए भी जुडिशरी का और वहां का धन्यवाद करते हैं। हमें ये सोचना होगा, एक ऐसी सरकार इस समय बनी है। आज हमारे भाई दीपेंद्र हुड्डा जी भी और आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी एक बात कह रहे थे कि हमें एक बात समझ नहीं आती कि भाई दीपेंद्र हुड्डा जी तो सब जगह जाकर धन्यवाद कर रहे हैं कि आपने हमारे साथियों को जिताया है, हम आपका धन्यवाद करते हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो इस बात का चिंतन कर रहे हैं, बैठ के कर रहे हैं कि हम लोग क्यों हार गए। जिनकी सरकार बनी है उनकी जिम्मेवारी बनती है वो निकले काम करें। आज तक एक भी फैसला इस सरकार ने कोई भी नहीं लिया है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के लिए कमेटी बनाई है, कोई भी काम नहीं हुआ है। मैं तो केवल आपको एक आश्वासन दे सकती हूँ कि आपने, हम लोग विपक्ष में थे लेकिन फिर भी आपने भारी मतों से जिताकर अपने हलके का, अपने इस जिला झज्जर का और भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है। हम आपकी लड़ाई सड़कों से लेकर विधानसभा तक लड़ने का काम करेंगे और अपने अधूरे पड़े हुए जो काम है सरकार को मजबूर करेंगे कि हम उनके कामों को पूरा करवाने का काम करें। हमारा ये प्रदेश जो सैनिकों की हमारी धरती है, हमारा यह प्रदेश नौजवानों की धरती है। मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे सभी पूर्व सैनिकों का जिन्होंने मान सम्मान की पगड़ी को अभी सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के सर पर रखकर उनको मान सम्मान देने का काम किया है। हमारे विधानसभा क्षेत्र गांव मूनसा के हमारे एक जवान, हमारे सैनिक, हमारे भाई अमित सिमोता ने देश की रक्षा करते हुए अपना बलिदान दिया है। हम इस अवसर पर उनको भी अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं और नमन करते हैं और उम्मीद करेगी कि सरकार अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करने का काम करे। हमारे बीच में हमारे बधाणी गांव के कृष्ण जो हमारे भाई विक्रांत सहरावत के पिता हैं, सारी सरकार यहाँ पर आई थी
कि जब उनका यहाँ पर देश के लिए बलिदान हुआ एयर क्रैश हुआ, लेकिन आज सरकार ने उनकी सुध नहीं ली है। मैं आपको ये आश्वासन देना चाहती हूँ कि भाई दीपेंद्र हुड्डा और हम लोग मिलकर न केवल शहीद स्मारक बनाने की बात, न केवल जो सरकार की ओर से घोषणा की गई सभी मांगे हमारे भाई जो गांव मूंसा के शहीद हुए हैं उनके परिवार के लिए भी, आपके लिए भी, क्योंकि कोई भी शहीद वो किसी परिवार का या किसी गांव का नहीं होता, वो पूरे समाज, प्रदेश और देश का होता है। उसने देश को बचाने के लिए अपनी शहादत दी है। हमें सावधान होना होगा जो केवल उंगली कटाकर शहीद होने का नाटक करते हैं। हमें सावधान होना होगा ऐसी ताकतों से जिन्होंने देश में भाईचारे को खराब करने का काम किया है। हमें सावधान होना होगा ऐसे लोगों से जिन्होंने हमेशा लड़ाई करने का काम किया है। हम तो केवल और केवल अपने क्षेत्र में विकास की बात करेंगे, मान सम्मान की बात करेंगे, छत्तीस बिरादरी के भाईचारे की बात करेंगे, किसानों के हकों की लड़ाई को लड़ने की बात करेंगे, माताओं बहनों की इज्जत सुरक्षित रहे, अच्छी शिक्षा मिले उसकी हम लोग बात करेंगे, हमारे जो युवा साथी हैं उनको मान सम्मान मिले, रोजगार मिले, श्वेत पत्र जारी करे सरकार कि कितने युवाओं को उन्होंने रोजगार दिया है और कितने युवाओं को उन्होंने बेरोजगार करके नोटबंदी और जीएसटी के माध्यम से बहाना बनाकर बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया है। कितने लोग ऐसे हैं, इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज बंद हो चुकी हैं, जीडीपी हमारी धड़ाम 5 से 4 और उससे भी नीचे गिर गई है, फिर भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आज हमें इस बात का सोचना होगा कि हमारा भला कौन कर सकता है। अगर हमारा भला कोई कर सकता है तो केवल और केवल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और हमारे भाई दीपेंद्र हुड्डा जी कर सकते हैं। और ये हमारी जो फौज बैठी है, जो हमारे साथी बैठे हैं, जो हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें और कांग्रेस की जो हमारी मजबूत टीम है, संगठन की कमी कहीं ना कहीं चुनाव में जरूर नजर आई। हमने पूरी कोशिश की, संगठन की कमी होने के बावजूद भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को अगर केवल मात्र 3 महीने पहले अगर ये पावर मिल जाती तो आज प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी होते, आपकी सरकार होती, आपका राज होता। लेकिन कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं गलतियां हुई, गलतियों से इंसान सीखता है और हमारे सभी साथियों ने मजबूती के साथ एक प्रयास किया और उन्होंने सारी की सारी जीते सीटें जीतकर, चाहे वो हमारी झज्जर की है, बेरी की है, बादली है, बहादुरगढ़ है और विशेष तौर से रोहतक लोकसभा क्षेत्र में उन्होंने भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के मान सम्मान को, उनके जो मान सम्मान में एक ठेस पहुंची थी उसका बदला लेने का काम आपने विधानसभा के चुनाव में करने का काम किया है। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करती हूं। आज हमने यहां पर जो कार्यक्रम रखा है उसके बाद मेरा सभी साथियों से अनुरोध है, सभी साथियों के लिए खाने की भोजन की व्यवस्था है। सभी साथी इस धन्यवाद समारोह में आए हैं, मैं दिल की गहराइयों में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करते हुए एक ही आश्वासन देना चाहती हूँ, हम लोग आपकी सेवा करना चाहते हैं, हम अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि झज्जर का विकास हो। जो रेलवे की लाइन आई थी 1 इंच सरकार ने नहीं बढ़ाई, उसको हम लोग बढ़ाने का काम करें, हमारे स्कूल कॉलेज आगे बनवाने का काम करें। पूरा प्रयास रहेगा कि मजबूती के साथ हम लोग जो है सरकार से भी काम लेने का काम करें। हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत हमारे भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के रूप में बैठी है। जब हम लोग 70 साल संविधान बने हो गए, हम पूरे प्रदेश में कह रहे हैं, पूरे देश में कह रहे हैं कि हम लोग संविधान को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि हमारे संविधान जो निर्मात्री एक सभा थी, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो 284 हमारे जो चुने हुए जो वहाँ पर नुमाइंदे थे, उनमें से हमारे भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के दादा चौधरी रणवीर सिंह जी, जिनके की संविधान पर हस्ताक्षर हैं, जो 7 सभाओं के मेंबर रहे हैं, हम उनको भी आज नमन करते हैं कि संविधान को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया। कल उनका परिनिर्वाण दिवस था, लेकिन उन्होंने एक बात कही थी, संविधान बहुत बढ़िया है, अगर कोई कमी रहेगी तो उसको लागू करने वालों में रहेगी। तो आज जो देश में कानून की धज्जियां उड़ रही हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की
जो उनकी गलतियां हैं, उनकी कमियों की वजह से ये धजिया उड़ाने का काम कर रही हैं। तो पुनः आज मैं आप सबका, सभी साथियों का जो यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं, दिल की गहराइयों से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हुए आपका अभिनंदन, स्वागत और धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपने सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद से, अपनी वोट की ताकत से यहाँ से जिताने का काम किया। और मैं आपको ये आश्वासन देते हुए कि आपकी लड़ाई को मजबूती से हम लोग लड़ने का काम करेंगे, और मैं हमारे भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का भी बहुत बहुत विशेष तौर से धन्यवाद करूंगी कि इनका लोकसभा, इनका जब चुनाव के दौरान बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम न केवल रोहतक लोकसभा में बल्कि पूरे के पूरे हरियाणा में इस बात की, क्योंकि स्टार कंपेनर थे, सभी जगह बहुत ज्यादा मांग थी, उसके बावजूद हमारे यहाँ पर आकर बहुत अच्छे से, बहुत बड़े ढंग से और बहुत ही मार्मिक तरीके से जो आपने अपील की और हमारे लिए वोट मांगे, मैं आपका भी विशेष तौर से बहुत बहुत धन्यवाद आपका करती हूँ कि आप हमारे भाई हैं और आपने अपने भाई होने की जिम्मेवारी को बहुत ही बखूबी निभाने का काम किया है। अब हमारी बहनों की जिम्मेवारी बनती है कि हम भाई के साथ और सभी साथियों के साथ कंधे से कंधा मिलकर लड़ाई लड़ें और आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को और भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को ताकत देने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और सभी साथी खाना जरूर लेकर जाएं, आप सुबह से आए हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।